नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बागवानी विभाग के समक्ष किसानों ने दिया धरना। रंगली गांव के किसान की 5 एकड़ बैंगन की फसल उजड़वाने के मामले में दिया धरना। विभाग ने बैंगन की प्रतिबंधित किस्म बताकर के किसान की फसल उजड़वाने के लिए किया था मजबूर। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने खेत में पहुंचकर किसान को पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने की दी थी धमकी। किसान ने 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर ली है जमीन। किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना देकर किसान के साथ न्याय की मांग उठाई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बागवानी अधिकारियों ने चुप्पी साधी। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जी हां, जिला बागवानी विभाग का एक तुगलकी फरमान ने किसान को सदमे में पहुंचा दिया। बागवानी विभाग के अधिकारियों ने गांव रंगड़ी के किसान अमर सिंह, जिसकी बैंगन की खड़ी फसल पर यह कहकर के हल चलवा दिया कि उसके द्वारा बोई गई बैंगन की किस्म भारत में प्रतिबंधित है और उसे फसल को उखाड़ना ही होगा, नहीं तो जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बेबस किसान ने अधिकारियों की धमकी के चलते अपनी मेहनत की तैयार की गई फसल पर हल चलवाने के लिए विवश हो पड़ा और इसी के रोष स्वरूप आज किसानों ने बागवानी विभाग के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देकर के किसान के साथ न्याय की गुहार की है। वहीं इस विषय में बागवानी विभाग के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो जिला बागवानी अधिकारी सतवीर शर्मा अपने कार्यालय से नदारद मिले और कार्यालय में उपस्थित जिला बागवानी सलाहकार निर्मला देवी ने इस मुद्दे पर जानकारी न होने की बात कहकर के अपना पल्ला झाड़ लिया। किसान ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कर्ज लेकर खेती की थी और एकाएक अचानक फसल नष्ट करवा दी गई। पीड़ित किसान ने कीटनाशक दवा विक्रेता व अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। 15 तारीख को गए थे ये, 15 तारीख को 5-6 जने थे, बोले आप इसको या तो बुलाओ या इसका बिल दिखाओ मेरे को, नहीं तो आपके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करा देंगे हम। तो मैंने कहा इसको 2-3 दिन का मेरे को टाइम तो दो, मैं बिल वगैरह लियाऊँ। तो हमने कंपनी वालों को भी बुलाया, कंपनी वाले बोले को अपने ड्यूटी नहीं है अभी। फिर मैं, मेरा भतीजा, ये मेरा दोस्त है, भाई है, मैं उसको दफ्तर में भेजा। डॉक्टर शोकन भी है, इसको रिक्वेस्ट करी कि कोई आया तो 2-4 दिन में टाइम दो, बोले टाइम तो है ही नहीं, 2 घंटे का टाइम है, आप इसको 12 बजे तक इसको इमेज कर दो, नहीं तो हम देश दो का केस सुनाएंगे। आपने बीज कहाँ से खरीदा था? मैंने सुनो, कहाँ से खरीदा था और क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की मांग करते? जहाँ से आपने खरीदा था, अगर वो बेच रहा है, अगर बीटी था जो आपको आपकी फसल का बर्बाद करती, जहाँ से आपने खरीदा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ तो मेरी तो फसल खराब हो ही गई जी, अब उनके जमींदार बीज भंडार से मैंने बीज लिया है, एक फतेहबाज से जैन है उससे बीज लिया है, तो मेरा इसके अंदर क्या कसूर है? मैंने तो बीज वहाँ से ले गया है, मार्केट से लिया है। क्या चाहते हैं? तब उसका दुकान वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनी वाले के ऊपर होना चाहिए, मेरा को मुआवजा दिया जाए, मेरी तो खड़ी फसल नाश करी है सारी, ठेके पर ली थी मैंने 50,000 रुपये किले के हिसाब से ठेके में ले रखी थी, पूरी बर्बाद हो गई, सारी बर्बाद हो गई जी मेरी, एक बारी थोड़ी फसल, उसके बाद में ये काम हो गया। तो क्या किस लिए था कि जो 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 अपने बोरख बीटी है? हाँ ये बीटी है, बल्कि ये देखो ये इसके ऊपर पूरी के ऊपर कोई बीटी नहीं, हाइब्रिड बीज लिखा हुआ है, हाइब्रिड बीज लिखा हुआ है। ये मामला तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका एक कुचक्र है किसानों को नकली बीज और उर्वरकों के मामले में फंसाने का। तो यहाँ हमारे रंगड़ी के किसान साथी ने एक हाइब्रिड बैंगन का बीज लिया और 5 एकड़ के अंदर वो बीज लगाया, तो उस फसल जब वो तैयार होने वाली थी तभी बागवानी अधिकारी सतवीर शर्मा वहाँ पर पहुँचते हैं, किसान को केस करने की धमकी देते हैं, ना उस बैंगन की कोई लैब में जाँच करी जाती है, ना कुछ और किया जाता है, और तुरंत 5 एकड़ की तैयार हुई फसल को ट्रैक्टरों के सारे पूरी फसल को खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें पहली बात तो बागवानी अधिकारी का कोई सीधा रोल होना ही नहीं चाहिए था, अगर उसे शक था, बीटी के ऊपर शक था, तो वो किसान की फसल का नमूना लेकर उसकी जांच आने तक उसके पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो किसान की फसल को बा दे, ना ही ऐसा कृषि विभाग में कोई नियम है कि अगर कोई बीटी बीजता है, बीटी किसान तो खुद तो ले नहीं, अगर ये विदेश से कहीं निर्यात हुआ है तो ये भारत सरकार केंद्र सरकार की कमी है,
और बीटी कॉटन का आप रिजल्ट देख लीजिए, बीटी कॉटन में जहां भारत का नाम कहीं कॉटन में नहीं था, आज भारत कॉटन के विश्व के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में है। तो यदि कोई चीज किसान के हित की है और वो बहुराष्ट्रीय और ये दवाइयों कंपनियों के अहित की है, तो सरकार को किसानों के प्रति सोचना चाहिए, ना कि इन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बहुत जुल्म हमारे साथी किसान अमर सिंह के साथ हुआ है। जब तक भ्रष्ट अधिकारी सतवीर शर्मा जिसका नाम है उसको सस्पेंड नहीं कराया जाता, और जहां तक हमारे साथियों ने जांच करके बताया इस अधिकारी के नाम करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं, तो वो सरकारी नौकरी से तो नहीं बन सकती। इसकी सारी संपत्तियों की जांच हो, इसमें जो जो कंपनी के अधिकारी और जो जो ये बागवानी विभाग के अधिकारी शामिल रहे हैं उनको सरकार तुरंत सस्पेंड करे, नहीं ये हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा।